डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, तो असम में हम जो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ वही ट्रीटमेंट यहाँ भी देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, मतलब बहुत बड़ा ट्रीटमेंट मिलता है, क्या है नहीं, तुरंत ट्रीटमेंट होता है। बंगाल में क्या होगा, कितने सीट जाएगा? अच्छा, बंगाल में मेरा लगता है हम लोग 30 का आसपास आ जाए। असम में ट्रीटमेंट फटाफट नहीं, मतलब कौन सा ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, मतलब होम्योपैथिक एलोपैथिक, आपका जो डोज जाने लीजिए उनको फोन करके पूछिए कि सीएम कौन सा ट्रीटमेंट दिलवा देता है, और तुरंत देते हैं, दो मिनट भी इंतजार नहीं करते। लाभ जेहत का मामला आया, ट्रीटमेंट तुरंत हो जाता है। मुख्यमंत्री जी, दादा हम लोग नहीं बोलते वो ट्रीटमेंट का बारे। नाना पटोले ने बयान दिया कि उनकी इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो राम मंदिर को फिंचर शुद्ध कराएंगे। देखिए धर्माचार्यों के तरह, तो आप कितना लेते हैं? नाना पटोले ने वो बयान दिया है जो बहुत ही खतरनाक बयान, मतलब सोनिया गांधी राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएगा, वही बोला है। हम का मतलब क्या है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी का मतलब क्या है सोनिया गांधी? तो सोनिया गांधी का खुद का धर्म क्या है? वो खुद राम मंदिर जाने का उनका अधिकार है कि नहीं, वो जाएगा कि नहीं जाएगा? और सोनिया गांधी अगर राम मंदिर का शुद्धिकरण का काम करेगा तो हिंदू शुभ बैठेगा क्या? क्या बात बोलते हैं यार नाना पटोले, कि सोनिया गांधी जाके राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएगा और सारा देश का हिंदू शुभ रहेगा? ये भी कोई एक हुआ है क्या? अभी वो भारत बदल गया है, आस पास भी जाने नहीं देगा लोग, तो लोगों के बीच में यह बोलना, लोगों के बीच में जाके यह बोलना, उनको उनको बोलने का अधिकार, अभी चुनाव का समय है, बोल रहा है, लेकिन अगर करने का कोशिश करेगा तो अंदर जाके बोलना पड़ेगा, वो तो जेल जाएगा। अगर राम मंदिर कोई टच भी करने का कोशिश करेगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से राम मंदिर बना है, अगर अभी वो राम मंदिर को कोई टच भी करने का कोशिश करेगा, सुप्रीम कोर्ट का अवमानना होगा, वो जेल जाएगा तुरंत। मुख्यमंत्री जी, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र सदैव से है और रहेगा, और जो धर्म निरपेक्ष सब आप संविधान में बोला, देखा है, चुना सुना है, वही हिंदू का ही दान है। हमारा भारत का संविधान सभा में हिंदू लोग बैठ के ही सेकुलर वर्ड संविधान में लिखा है, ये भी हिंदू का ही दान है। देखिए, हैदराबाद में काफ़ी 1-1.5 लाख इलीगल वोट्स है बताए जाते हैं, लोग फाइट कर रहा है, मेरा हिसाब से हो जाएगा आगे जाकर। एक एक जंग होता है, कोई जगह में एक बार में ब्रेक होता है, कोई बार कोई जगह में दो बार में ब्रेक होता है। इस बार हमारा उम्मीदवार स्ट्रांग है, मेरा लगता है इस बार ब्रेक हो जाएगा। ऐसा परसेप्शन बन गया है जब से पश्चिम बंगाल को इकोनॉमिक हब माना जाता था, जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं सेमीकंडक्टर का यूनिट से लेकर अभी देखिए आपके यहाँ सब कुछ। पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा प्रदेश है और हम लोग पश्चिम बंगाल का और देखते हैं, लेकिन आज 10-15 साल लेफ्ट रूल, टीएमसी रूल का कारण, अभी असम को बेनिफिट मिली, इंडस्ट्री असम का तरफ डाइवर्ट हो रहा है। खाली इंडस्ट्री नहीं, जब पश्चिम बंगाल में जो पॉलिटिकल एट्रोसिटी फेस करता है वो लोग भी असम में चला जाते हैं। तो लेकिन हमारा मानना है बंगाल का अंदर में बहुत बड़ा शक्ति है, और एक बार पश्चिम बांग्ला बीजेपी का साथ जोड़ जाएगा तो पश्चिम बांग्ला भारत का ही बहुत बड़ा प्रदेश बन जाए। असम का साथ उनका कोई कंपटीशन भी नहीं है, बहुत बड़ा प्रदेश है। भाजपा में इंटरनल पार्टी देखिए, हमारा कैंडिडेट एक ही है नरेंद्र मोदी, लोग मोदी जी को वोट देते हैं, और बाकी तो मोदी जी तो हर सीट में चुनाव नहीं लड़ सकता है ना, इसीलिए हम लोग लड़ता हूँ मोदी जी का भरत जैसा, राम जी का धर्म लेके भरत जी शासन में बैठे थे,
तो एक्चुअली सांसद तो मोदी जी ही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ही है, लेकिन 500 सीट में तो मोदी जी लड़ नहीं सकता है, तो इसीलिए हम लोग लड़ता हूँ। लेकिन भारत वासियों का विश्वास और आस्था मोदी जी में ही है, और लोग मोदी जी को ही वोट देगा, कमल सिंह में वोट देगा। कैंडिडेट देखिए, हम तो नरेंद्र मोदी बन नहीं सकता, कमियां तो होगा ही हमारा, तो कमियां मान के चलना सही है हमारा, हम कहाँ मोदी बन पाएगा, तो कमियां है हमारा बीच में और उसको मान के चलना है। चलिए।